है, गद्दारों को चले बर्फ की सिल्ली पर लिटाने। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। महाराष्ट्र में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं के सुर बदलने लगे हैं। बयानबाजी में नेताओं ने जैसे हद पार कर दी। उद्धव ठाकरे के साथ अब छोटे ठाकरे यानी कि आदित्य ठाकरे भी अब पीछे नहीं रहे हैं। उन्होंने भी महाराष्ट्र के भायखला से चुनावी प्रचार करते हुए भड़काऊ बयान दिया है। आदित्य ठाकरे ने ये कहा है कि ये चुनाव बदले का नहीं है, ये अस्तित्व का चुनाव है। जिन लोगों ने महाराष्ट्र को लूटने और तोड़ने का काम किया है, मैं उन्हें बर्फ की सिल्ली पर लिटाऊंगा। बीजेपी कभी किसी को नहीं छोड़ती, हमेशा लूटने का काम करती है। अब आप लोगों को ये तय करना है कि बीजेपी को आपको कितना दूर रखना है। ये बयान आदित्य ठाकरे ने बीजेपी और शिंदे गुट को लेकर कहा है। आदित्य का कहना है कि गद्दार लोगों को छोड़ूंगा नहीं। जिन जिन लोगों ने महाराष्ट्र को लूटने और तोड़ने का काम किया है, उन्हें तो मैं सबक सिखाऊंगा, ये वचन मैं आपको देता हूं। आदित्य का बीजेपी पर तगड़ा हमला। आदित्य ठाकरे ने आगे कहा, 2 साल से बीजेपी राज्य में लड़ाई करवाने की कोशिश कर रही है, पर हम न टूटे हैं और न ही टूटेंगे, क्योंकि हम महाराष्ट्र धर्म जानते हैं और हम सबको साथ लेकर चलेंगे और आगे भी साथ लेकर चलेंगे। छोटे ठाकरे ने खुद को बताया हिंदुत्ववादी। आदित्य ठाकरे ने कहा, आने वाले दिनों में लोग हमें आकर कहेंगे हम हिंदुत्ववादी हैं, और मैं कहता हूं कि हम हैं हिंदुत्ववादी। हमारा हिंदुत्व और बीजेपी का हिंदुत्व अलग अलग है। आदित्य ठाकरे यही नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि बीजेपी का हिंदुत्व घर जलाता है और हमारा हिंदुत्व चूल्हा जलाता है। आदित्य ठाकरे यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ये बदले का चुनाव हमारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए अस्तित्व का चुनाव है। आने वाले समय में यहां बीजेपी की ABC टीम आएगी और प्रचार करेगी, दंगा करवाने की कोशिश करेगी। इनका काम है दंगा करवाने का और इन्हें कुछ नहीं आता है। यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहा है वो भी गद्दार है। आपको बता दें, भायखला की यदि बात करें तो भायखला जहाँ पर आदित्य ठाकरे चुनाव प्रचार करने पहुंचे हुए थे, वहाँ की लड़ाई इस बार बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ से शिंदे शिवसेना की यामिनी जाधव और शिवसेना ठाकरे की ओर से मनोज जामसुतकर के बीच कड़ा मुकाबला है। अब इंतजार है 23 नवंबर का। लेकिन ये वो आदित्य ठाकरे हैं जो कि बाला साहेब ठाकरे के पोते हैं। उद्धव ठाकरे के समय समय पर सुर बदल रहे हैं। कभी वो वक्फ बोर्ड का समर्थन करते हैं तो कभी अपने आप को कट्टर हिंदुत्ववादी बताते हैं। ये वही आदित्य ठाकरे हैं जो कि 10% मुसलमान को आरक्षण दिया जाएगा उस पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, कांग्रेस के साथ। नाना पटोले ने पत्र आगे भेजा है जो कि उलेमाओं ने उन्हें पत्र दिया था। उनसे जब पूछा गया 10% आरक्षण दिया जाए तो वो कहते हैं कि मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, चुप्पी साध लिया उन्होंने। क्यों नहीं कहा, आपको कहना चाहिए था। जब आप कह रहे हैं कि मैं कट्टर हिंदुत्ववादी हूं तो फिर आप ये क्यों नहीं बोले कि 10% आरक्षण यदि मिल जाएगा तो दूसरे लोगों का क्या होगा, उनका तो घट जाएगा। आखिर क्यों नहीं बोले आदित्य ठाकरे, यही सवाल है। आपको भी लग रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं आदित्य ठाकरे के भी सुर बदल रहे हैं, लेकिन ऐसा हो ना कि उद्धव ठाकरे को आदित्य ठाकरे ही फंसा दे जिस तरह के उन्होंने बयान दिए हैं। अपनी राय कमेंट कर जरूर रखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।